लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। फेस वॉश यार, मॉनसून में आपको दो बार से ज्यादा दिन में फेस वॉश नहीं करना है यार। मॉनसून में जो बारिश होती है वो सारी एसिडिक होती है। एसिडिक का मतलब है कि आपने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा वो जो पीएच स्केल होता है, और क्योंकि बारिश एसिडिक है तो जो ह्यूमिडिटी भी हो रही है ना वो भी सारी एसिडिक ही है। और जब आप फेस वॉश करते हो तो नॉर्मली कोई भी फेस वॉश या फेस क्लेंजर आपके फेस के पीएच को कम कर देता है। तो ऑलरेडी एसिडिक बारिशें हैं और साथ में पीएच भी कम हो रहा है आपका फेस वॉश से, तो फिर आपकी स्किन बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होती है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी और आपको हो जाएंगे पिंपल्स। तो बेसिकली मॉनसून की सबसे मेजर चीज ये है कि आपको अपने फेस का पीएच लेवल सही रखना है। और मैं समझता हूँ यार मॉनसून में क्योंकि पसीने ज्यादा आते हैं तो आपका मन करेगा हर 2-3 घंटे में अपना फेस धोते रहो फेस वॉश वगैरह से। आपको करना दो बार ही है, जब भी आपको और कभी पसीने आए ना तो आप चिल मार के बहुत फ्रीक्वेंटली एक हैंकी से अपना फेस डैब करके साफ कर सकते हो। घिसना मत, डैब करके साफ करना। और याद रखना फेस ना कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होता है मॉनसून सीजन में, तो अपने फेस के साथ ज्यादा हार्श ट्रीटमेंट मत करना। नेक्स्ट टिप है यार, आपको मॉनसून में एक्स्ट्रा ही पानी पीना चाहिए। एक तो गर्मी, ऊपर से ह्यूमिडिटी, आपकी बॉडी से इतना ज्यादा वाटर लॉस ऑलरेडी हो रहा होता है कि आपको अपना वाटर इनटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ये आपको पता ही है कि पानी पीने के आपके स्किन पे बहुत नेक्स्ट लेवल बेनिफिट्स होते हैं। आपकी स्किन पे ग्लो जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से ही आती है, और इसीलिए आपको ऐसी कोई भी चीज अवॉइड करनी है जिससे आपको डिहाइड्रेशन ज्यादा हो, जैसे कि चाय, कॉफी, कोक, मतलब सोडा वगैरह जो होती है। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।